ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई कैम बैक इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियोस। सो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी तक जो पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो को तभी देखें पिछले वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएँ। क्योंकि जितने भी सारे हमने वीडियोस अपलोड किया है और आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इट विल बी लाइक अ चेन, यानी कि सब एक चेन की तरह से है। पहली क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे देखें, तब इस वीडियो पे आप जरूर आएंगे। प्लीज़ चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मैं चार वर्ड के ऊपर, चार यूजेज में आज आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से बताने वाला हूं, जो कि आई गारंटेड यू कि 100% यू विल गेट एंड यू विल सक्सीड, और चारों चीजें आपको बहुत ही क्लियर ढंग से आपको आज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। yes, sir. देखिए देखिए सबसे पहले हम दो चीजों के ऊपर बात करते हैं, पहले दिस और दैट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है? दिस और दैट के ऊपर हम लोग बात करने के बाद फिर हम लोग दिस और दोज के ऊपर बात करेंगे। समझे नहीं समझे? Yes or not? Yes. Okay, very good. सबसे पहले हम बात करते हैं this. This का मतलब होता है, this का मतलब हिंदी मीनिंग होता है यह, क्या होता है? Yeah. और that का हिंदी मीनिंग होता है वाह, very good, nice, very good. यानी कि this का हिंदी मीनिंग होता है यह, और that का हिंदी मीनिंग वाह होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, this और that के साथ helping verb is का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, साथ दिस और दैट जब भी आएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे दिस और दैट, दैट को लेकर के, वहां पे हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में चलनी चाहिए कि दिस और दैट वहीं पे हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा एक चीजों के लिए। कितने चीजों के लिए? एक चीज, हाँ एक चीजों के साथ। कितने चीजों के साथ? यानी कि वन थिंग के लिए। कितने थिंग के लिए? वन थिंग के लिए। यानी कि हमेशा अगर दिस और दैट का प्रयोग करेंगे ना, इसका मतलब आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि एक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कितनी चीजों के बारे में? एक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि दिस और दैट जब भी आप कभी भी बुक्स में या कोई पढ़ा रहे हैं या खुद आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम में इसका मतलब आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपके माइंड में ये चलनी चाहिए कि दिस और दैट यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे एक कोई चीजों के बारे में बात हो रही है। समझे ना समझे? वेरी गुड। ध्यान में रखना, दिस जो होता है नजदीक वाले वस्तुओं के साथ। किसके वाले? हाँ, नजदीक वाले वस्तुओं, हाँ वस्तुओं के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और दैट का प्रयोग हमेशा हम लोग बोलते हैं दूर वाले वस्तुओं के साथ। किसके वाले? हाँ, दूर वाले वस्तुओं के साथ। ठीक है? यानी कि जो दूर में कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी सामान रहता है ना, वहां पे हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और कोई भी चीज, कोई भी सामान अगर हमारी आंखों के सामने हो, वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है सर, कि दिस और दैट का प्रयोग हमेशा हम लोग, वो वस्तु अगर दूर में कोई भी वस्तु है तो वहां पे एक ही वस्तु होनी चाहिए। कितने वस्तु? हाँ, एक ही वस्तु होनी चाहिए, है ना? एक ही वस्तु होनी चाहिए। कितनी वस्तु होनी चाहिए? अगर नजदीक में कोई भी वस्तु है, यहाँ पे भी कितने वस्तु होनी चाहिए? एक ही वस्तु होनी चाहिए। ठीक ना? एक थिंग होनी चाहिए, कोई भी चीज, कोई भी सामान एक ही होनी चाहिए, तभी हम लोग वहां पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। और दैट का प्रयोग हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे कोई दूर में कोई भी वस्तु कितना है, एक ही वस्तु। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़े, इसे मिटा लें। वेरी गुड, नाइस। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। दीज एंड दोज, यहाँ पे हमने दो लिख दिया। ठीक है? अब देखिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं दिस और दैट के ऊपर, कर रहे हैं ना? दिस और, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख करके हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कोई सेब है, ठीक है? यहाँ पे सेब है, एक सेब है और एक यहाँ पे सेब है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है? एक यहाँ पे सेब है, अब ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक एप्पल है, क्या है? एप्पल है, यहाँ भी एक एप्पल है, हाँ एप्पल है। अब देखिए ये एप्पल हमसे काफी नजदीक में है या वो एप्पल? ये वाला एप्पल है, एप्पल नंबर वन है और एप्पल नंबर टू है। कौन सी एप्पल हमसे ज्यादा नजदीक है? वन वाले है। तो इसको हमेशा हम लोग बोलेंगे वन एप्पल वाले को, यहाँ पे हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? और जैसे दिस होगा, दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वेरी गुड, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन, वेरी गुड, नाइस। अब देखिए ये तो हमने कह दिया कि दिस इज एन एप्पल, या एक क्या है? सेब, या एक सेब है। अब देखिए हम यहां से इंडिकेट मुझे करना पड़ रहा है, मुझे बताना पड़ रहा है कि वह एक एप्पल है।
वह एक एप्पल है यानी कि वह एक सेब है, यानी कि दो नंबर जो सेब है वो हमसे काफी में दूर है, काफी दूर है हमसे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जब दूर वाले के साथ हम लोग क्या बताए थे, दैट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, तो दैट इज एन वेरी गुड, दैट इज एन एप्पल हो गया। इसीलिए हमने कहा कि अब देखिए अगर मैं इधर आ जाऊं इस एप्पल नंबर, अब कौन से एप्पल की तरफ मैं हूं, हाँ टू नंबर एप्पल की तरफ हूं मैं, तो टू नंबर वाले एप्पल अब हमारे नजदीक हो गया। जब नजदीक हो गया क्या अब यहाँ दैट का प्रयोग करें, तो क्या करेंगे अब, हाँ अब यहाँ पे दिस का प्रयोग हो जाएगा। देखिए दिस इज एन एप्पल, वेरी गुड नाइस। अब देखिए वो जो दिस वाले एप्पल था वो अब दैट बन जाएगा, क्यों बनेगा, क्योंकि वह हमसे काफी दूर में है, ये एप्पल सबसे ज्यादा नजदीक है, है ना। अब ये एप्पल नजदीक है, आप देखिए तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दैट इज एन एप्पल, एप्पल ठीक है, दैट इज एन एप्पल। अब देखिए अब इधर भी आ जाऊं तो फिर भी हम लोग बोल सकते दैट इज एन एप्पल, और यहीं पे रहूं तो दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, और दिस इज एन एप्पल, हो गया ना। यानी कि जब मैं इधर आऊं तो नंबर टू एप्पल हमसे दूर हो गया, अगर मैं इधर आ जाऊं तो नंबर वन एप्पल हमसे दूर हो गया, और नंबर टू एप्पल हमसे नजदीक हो गया, है ना। तो यहाँ पे फंडा क्या है, ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सामान, दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी थिंक अगर हमारी आंखों के सामने है ना, और वो थिंक, वो पर्सन या वो थिंक या वो जगह हमारी आंखों के सामने है, और एक कितना, एक ही रहना चाहिए, ध्यान में रखें, अगर एक समान है हमारे आंखों के सामने है तो वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे, और दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज, ओके। और दुनिया का कोई भी समान हमारी आंखों से काफी दूर में है तो वहां पे दैट इज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा दैट इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ओके, दिस इज अ मार्कर पेन। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास मार्कर पेन है, yes, sir. कितना मार्कर पेन है, one है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ दिस इज अ मार्कर पेन, यही मार्कर पेन अब हमारी आंखों के सामने से मैं हटाता हूँ और दूर ले जाता हूँ, दूर ले जाऊं, yes, अब वहां क्या बोलेंगे, दैट इज अ वेरी गुड, यही मार्कर पेन फिर मैं अपने नजदीक लाता हूँ तो, चलिए यही अब इस इधर आ जाता हूँ वहां पे रखता हूँ तो, और यहाँ पे रखता हूँ तो, नाइस। अब यहाँ पे ये मेरे पास डस्टर है, क्या है, कितना है, दो है, वन है ना, तो वन के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब इज, और अगर नजदीक है तो दिस, और दूर में है तो दैट, क्यों, क्योंकि एक है, सिंगल है, है ना। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ डस्टर, और दैट इज अ, दैट इज अ, दिस इज अ, समझ में आ गया, वेरी गुड नाइस, आगे बढ़े, ओके नाइस। सर हैज क्लीन द, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब हम थोड़ा दिस और दैट को हमने कंप्लीट कर लिया, कर लिया, अब थोड़ा सा दीज और दोज के बारे में बात करें। देखिए दीज, टी एच ई एस ई, दीज, दीज का मतलब होते हैं ये सारे, क्या होते हैं, ये सारे बोलिए, या ये सब बोलिए, ये सब, ये सब, ठीक ना, या बोलिए ये सभी, ये सभी, ठीक है। और दोज का हिंदी मीनिंग होता है टी एच ओ एस ई, दोज का मतलब होता है वे सारे, क्या, वे सारे, या वे सभी, या वे सब, वे सब, ठीक है। देखिए यानी कि दोज का मतलब मुझे पता चल गया हिंदी में, अब दोज के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग करेंगे, इनके साथ हमेशा, दोनों के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोज, दोज हमेशा, दीज और दोज जो आते हैं कभी अकेला नहीं आते हैं, कभी अकेला नहीं आते, ये हमेशा जोड़ा में आएंगे या जोड़ा से भी ज्यादा, यानी कि दो से कम कभी आएंगे ही नहीं, दो से कभी कम, ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा कि दीज और दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, आर, ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। अब ध्यान में रखिएगा जो दीज जो होता है, दीज जो होता है, दीज, दीज हमेशा हमेशा नजदीक वाले के साथ प्रयोग करते हैं, कौन सी चीजों के साथ, नजदीक वाले चीजों के साथ, ठीक है, चीजों के साथ, समझे नहीं समझे, यानी कि दीज का प्रयोग हमेशा हम लोग नजदीक वाले चीजों के साथ, किसके वाले, हाँ नजदीक वाले चीज बोलिए या थिंक बोलिए, थिंक का ही मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी चीज, ठीक है। और दोज का प्रयोग हमेशा हम लोग दूर वाले चीज के, किसके साथ, दूर वाले, हाँ दूर वाले, थिंक के साथ बोलिए या चीजों के साथ बोलिए, ठीक है, के
साथ, ठीक है ना। यानी कि दीज का प्रयोग हमेशा हम लोग नजदीक, जिस तरह हमने दीज का प्रयोग हमने नजदीक के लिए बात किया था, उसी तरह दीज का प्रयोग हम लोग नजदीक वाले के साथ प्रयोग करेंगे। और दोज का प्रयोग हम लोग दूर के लिए, दूर में जितने भी सारे दो वस्तु रहे, तीन वस्तु, चार पांच छह सात जितना भी रहे, वहां पे दोज का प्रयोग करेंगे। समझे नहीं समझे? ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा दीज और दोज का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक वाले वस्तुओं के साथ होता है। कितने? दो या दो से अधिक है ना, दो या दो से अधिक वाले वस्तुओं के साथ। हाँ, वस्तुओं के साथ, वस्तुओं के साथ, साथ प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? दूर, दो या दो से अधिक के साथ, दीज और दो। यानी कभी भी ये एक चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। कितने चीजों के बारे में बात करेंगे? दो या दो से अधिक चीजों के बारे में बात करेंगे, तभी हम लोग वहां पे दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, दीज का प्रयोग हमेशा हम लोग नजदीक वाले वस्तुओं के साथ, किसके साथ? नजदीक वाले वस्तुओं के साथ करेंगे। और दोज का प्रयोग हमेशा हम लोग दूर वाले वस्तुओं के साथ करेंगे। किनके साथ? दूर वाले वस्तुओं के साथ करेंगे। समझे नहीं समझे? अब देखिए इनकी एग्जांपल हम लें, अब एग्जांपल लेंगे तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, नाइस। चलिए एग्जांपल मैं लेता हूं। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा ये सारे कलमे हैं, क्या है? ये सारे कलमे हैं, है ना, ये सारे कलमे हैं। तो हमने देखा कि चार पांच छह सात आठ दस हमारे पास कलम थे, यानी कि दो से अधिक होनी चाहिए, ध्यान में रखना है, तभी हम लोग दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे कलमे थे, ये सारे, हमने कहा ये सारे क्या है? कलमे हैं। तो हम लोग अब ये सारे हैं तो इसका मतलब ये नजदीक में हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। जब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? दीज। क्या प्रयोग करेंगे? दीज आर पेंस, दीज आर पेन। एक पेन नहीं है, बहुत सारे कलमे हैं, है ना। दीज आर पेंस, इसलिए हमने कहा दीज आर पेंस, कलम, है ना, कलमे। ये सारे क्या है? कलमे। दीज आर पेंस, दीज आर पेंस, है ना। अब यहाँ पे दीज का हम लोग प्रयोग कर दिए। अगर सारे लड़के हैं, सारे ऐसे भी बोल सकते हैं, सारे क्या है? लड़के हैं, ठीक ना, सारे लड़के हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, है ना, दीज आर बॉयज। मैंने कहा ये सारे कलमे हैं, ये सारे घर हैं, ये सारे ट्रीज हैं, ये सारे ट्रीज हैं, ये सारे क्या हैं? या ये सारे बोलिए, ये सभी बोलिए, ये सभी क्या है? ट्री, ट्री का मतलब पेड़ है ना, ये सारे, ये सभी पेड़ है, ये सारे क्या है? पेड़ है। तो क्या बोलेंगे? दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज, है ना, ये सारे पेड़ है, हमने कहा। चलिए उसके बाद बोलिए ये सभी, ये सभी, ये सभी, ये सभी कलमे हैं, ये सभी कलमे, हाँ कलमे हैं, क्या कलमे हैं, ना, ये सभी, यानी कि दीज, दीज आर पेंस, है ना, दीज आर। देखिए हमने कहा ये सारे कलमे हैं और ये सभी कलमे हैं, तो ध्यान में रख रहे, एक दो या दो से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जब तक दो या दो से अधिक ना एक होगा तो दिस और दैट का प्रयोग। वहां पे फिर देखेंगे कि ये नजदीक में है या दूर में है, ये सर नॉट, इसलिए हमने यहाँ पे ये सारी बातें किया। अब दोज के ऊपर थोड़ा एग्जांपल ले लें। yes, मैंने कहा वो लड़के हैं, वो लड़के हैं, ठीक है, वो लड़के हैं। तो हमने वो लड़के हैं, इसका मतलब वो लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो दो हजार बॉयज, है ना, दो हजार बहुत सारे लड़के हैं, दो हजार बॉयज। समझे नहीं समझे? वे सभी बोलिए, वे सभी, वे सभी, वे सभी लड़कियां हैं, वे सभी लड़कियां हैं, है ना, वे सभी क्या है? लड़कियां हैं। तो दो हजार, दो हजार गर्ल्स, दो हजार गर्ल्स, यानी कि सारे वो क्या है? लड़कियां हैं। अब मुझे यहाँ पे इंडिकेट करके बताना पड़ रहा है कि वो सारे लड़कियां हैं, वो सारे लड़कियां हैं। हाँ लड़कियां हैं, तो हमने कहा दोज आर गर्ल्स, दो हजार, मैंने समझ में आया नहीं आया? अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो पेन है, दो पेन है, नहीं है। अब ध्यान में रखिएगा, हमने कहा था दो या दो से अधिक होने चाहिए, एक तो होनी नहीं चाहिए, एक किसके साथ प्रयोग करेंगे? दिस और दैट के साथ, दिस और दैट के साथ। अब यहाँ पे दो पेन है तो यहाँ पे हमेशा अक्सर हम बात करेंगे दीज और दोज के साथ, दीज और दोज के साथ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दीज आर, दीज आर और क्यों? अब देखिए मुझे समझ में आ गया कि दो से दो, दो तो है, दो से अधिक भी, और एक और जोड़ दिया दो से अधिक हो गया, है ना, तो दीज आर पेंस हो गया, दीज आर पेंस हो गया, है ना। अब यही पेन हम अपने आंखों से दूर में ले जाते हैं तो दो हजार पेंस हो जाएगा, दो हजार, समझे नहीं समझे? दीज आर पेंस, दो हजार, समझ में आ गया? तो आई होप आपको टोटल दीज दैट, दीज दो समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया?
और आई होप यू नो दैट ऑलरेडी, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी आपने जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, शायद आप कंफ्यूज ना रहें। प्लीज अगर आप कंफ्यूज होंगे तो प्लीज दोबारा आपको जरूर देखनी है। समझे ना, समझे, समझ में आया नहीं आया? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है और आप जरूर इसे अच्छी तरह से पढ़े होंगे, देखे होंगे लास्ट तक। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ और सीख पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।